मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइए। हाँ, रुकना है तो रुक। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त तंदुरुस्त फर्स्ट क्लास हो गए। तो आज मैं बता दूं भाई, मैं अपना माई चलो भाई देखो अपने क्या। मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर आपको बताने वाला, क्या क्या जरूरत पड़ता है क्या नहीं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, मैं क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखिए चाहिए, ये मेरा हेलमेट है, ठीक है। मैंने ये वेगा का लिया है ऑफलाइन जाके, ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन भी मिलता है। तो मैंने दुकान पे जाके मतलब चेक करके लिया था कंफर्टेबल है कि नहीं, तो आप उसके हिसाब से मंगा सकते हो। और एक चाहिए आपको माफा, ये नाफा है वो, गोप्रो लो या इंस्टा 360 लो जो भी, तो उसके यहाँ पे चाहिए हेलमेट में माउंट लगाने के लिए। तो ये माउंट आप ऑनलाइन ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। और आपको एक चाहिए माइक, तो माइक तो मंगा लिया मैंने, और माइक यहाँ पे है मेरा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर यहाँ पे मैंने माइक तो मैंने ऑलरेडी इधर सेट कर दिया, उसको खोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो खैर नहीं, बस ये वायर है माइक का, और माइक एकदम मैं यहाँ पे अंदर लगा कर रखा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा है। तो ये एक माइक हो गया है और कुछ नहीं। और आपको मैं बता दूं, और कैमरा जो है, तो कैमरा में इंस्टा 360 RS लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा ब्रांड न्यू इंस्टा 360 कैमरा, काफ़ी आप देख सकते हो, मस्त है एकदम, आप ये लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने नया परचेस किया है, और मैं इसका प्राइस नहीं बताऊँगा यार, प्राइस बताऊँगा तो क्या मतलब है। उसे चेक कर लेना आप, इंस्टा 360 RS लिखा है ऑनलाइन तो बहुत है, मैंने 28,000 का परचेस किया है, तो आप भी ले लेना, चेक कर लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ। और साथ में इसको चाहिए क्लियर वॉइस के लिए, आपको यहाँ पे एक माइक अडेप्टर मिलता है, वो अलग से लेना पड़ता है आपको। अगर आपकी वॉइस क्लियर करनी है, अगर आपको अपनी वॉइस क्लियर करनी है, तो ये आपको माइक अडेप्टर लेना पड़ेगा। और ये बहुत छोटा सा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी प्राइस भाई 2,000 रुपये है, ठीक है। और कुछ नहीं, तो इसको आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। इसमें 3.5 mm का जैक लगता है, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ कर देना और ऐसे बिठा देना से, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, ये तो हो गया, अब हम इसको जैसे कि यहाँ पे लगा देंगे, जो है ये नाफा है, हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हम खोलते हैं और इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ये यहाँ पे लग जाएगा, तो हम इसको बस टाइट कर देंगे, हो गया हमारा टाइट हो गया, तब कुछ नहीं करना। और ये जो माइक है बस, तो मस्त इसके इसमें लगा के लगा देना है। हाँ, कहे नहीं लग रहा है रे, ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ये लग गया, ये थोड़ा टाइट हो रहा था इसलिए थोड़ा खींच दिया मैंने, ताकि अच्छा रहे कंफर्टेबल। अब ये हो गया है। और मैं बता दूँ भाई, मैं मोबाइल सजेस्ट आपको नहीं करूँगा, अगर मोबाइल आपको बताए तो उसमें क्या बहुत सारे पर्सनल चीज़ें रहती हैं, तो ये तो स्पेशली वीडियो के लिए। अगर मोबाइल में भाई उसमें बहुत सारे आपका डाटा रहता है, अगर मोबाइल गिर उड़ गया तो नुकसान हो जाएगा आपका ज़्यादा, तो आपको तुरंत मोबाइल खाना। तो मैं ज़्यादा, अगर आप मोटे हैं तो लो क्वालिटी का भी कैमरा आता है और हाई क्वालिटी का भी आता है, तो आप लो ले सकते हो, लगभग 8-9 हज़ार का भी आता है, और ये आप महंगा वाला ले लो तो अच्छा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपके बजट के हिसाब से ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो इसके हिसाब से हो गया, तो अब हम चलते हैं अपने बाइक पे। और क्या है इसका, मैंने एक दो वीडियो डाला है, तो मैंने बिना माइक का डाला था, तो अभी फिलहाल में मेरा पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप हो गया, कैमरा हो गया, माइक अडेप्टर हो गया, हेलमेट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मेरा जब पूरा सेटअप हो गया, मैं भी अभी बिगनर ही हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम प्रोफेशनल हो गया हूँ भाई मोटो ब्लॉगिंग में, खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना बिगनर का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगे, आवाज़ अगर आपको अच्छा लगे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर पसंद आए तो ले लेना, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए, बने रही हमारे साथ में, निकलते और दो कहता, और मैं भाई मैं तो वीडियो ऐसे नहीं सुट कर, ये देखो मेरे साथ में ये निखिल, ये मेरा देखो यही मेरा वीडियो सीट का शूट कर रहा था यार, कोई ठीक है, चलो कोई ना, अभी इसको भी जाने का टाइम हो गया, यही मोबाइल पकड़ा था। तो दोस्तों बता दूं, ये जो अब मैं देखे मेरा, मैं पूरा हेलमेट पहन के मोटो ब्लॉगिंग का रेडी हो गया। अब ये जो आवाज़ सुन रहे हो सब कुछ इंस्टा 360 RS का है, मोबाइल का आवाज़ नहीं है, मोबाइल इधर है देख लीजिए, ठीक है। अभी 11:09 हो रहे हैं भाई, तो खैर चलिए अब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, चलिए। जय विश्वकर्मा भगवान, जय दुर्गा माता। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो, अरे
अभी आप ये जो आवाज़ सुने भाई, अभी जो इंस्टा 361 RS है उसके वजह से अभी आवाज़ आप सुन रहे हो, ठीक है। कैसा लग रहा है वॉइस वॉइस बताना। और ये देखो भाई झोपड़ पट्टी है भाई, और ये टेम्पा वाला भी इसी में ससुरा के घूम रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है छोटे बच्चे स्कूल में। और ये देखो सब, ये भाई झोपड़ पट्टी का भाई गाटा पट्टी देख रहे हो ना, इतना कचरा है भाई। तो ऐसा, और यहाँ पे भी देखो सारा कचरा सब फेंका हुआ है भाई, एकदम क्या बता सकते हैं। और अभी हम रोड पे आ गए हैं भाई, कचरे से दूर थोड़ा। और यहाँ पे चूहा आंटी छोड़ते हुए, घर में चूहा घुस जाता है सारा, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और क्या बताता हूँ, ये बस वस खड़ी है और काका साइकिल से आ रहा है, मैं भी रॉन्ग साइड से चल रहा हूँ तो थोड़ा मुझे संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये भाई दोस्त, अरे काका, अरे बाबरवा, तो थोड़ा भाई प्रॉब्लम है रॉन्ग साइड से आने में, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके चलना पड़ता है, और क्या बता सकता हूँ मैं। और हम यहाँ पे रॉन्ग साइड थोड़ा क्रॉस करके निकल रहे हैं। और भाई ये देखो, और ये जियो वाले भैया तो कुछ जा रहे हैं, बात कर रहे थे ऐसे ही बोलते चलो, अपने कैमरा को आप अपना दोस्त मान लो, भाई मान लो, जो मन कर वो मान लो भाई, गर्लफ्रेंड भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, ठीक है। पर टाइम लगेगा, मैं भी बिगनर हूँ तो मुझे भी अभी स्टार्टिंग करना है, तो इस तरफ से मुझे चालू करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम अभी यहाँ पे चाय पीने आ जाते हैं यार, यहाँ पे चाय बहुत मस्त मिलता है यार। और ये देखो निखिल भाई स्कूल जाना, इसको साथ में आया है तो इसमें भी चाय पी रहा है, और अब मैं भी पीऊँगा अभी, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी चाय पी लिए हैं मस्त, अब निकल रहे हैं, ठीक है। इसको स्कूल भी जाना है निखिल को, तो 12 बजे का स्कूल हो गया, अभी 11:30 हो गया, तो इसको फटाफट पहले मैं छोड़ दूंगा स्कूल, लेट हो रहा भाई। निखिल को स्कूल छोड़ देते पहले और उसके बाद कुछ होगा। ये भाई देखो लकड़ी फाड़ रहा है, छीनी है थोड़े से, जहाँ पे टांगी का यूज करना चाहिए वहाँ पे छीनी है थोड़े से। और ये भाई सूरत का अलग है, यहाँ पे नियम ही चलता है सारा, 2 टाइम स्कूल चलता है, सुबह 7 से 12 और 12 से 5, ठीक है। अब ये निखिल का स्कूल आने वाला है, और स्कूल का नाम है श्री स्वामी नारायण विद्यालय, ठीक है। हाँ रुकना है तो रुक, चलो तब ये भाई निखिल को छोड़ कर चलो, चल निखिल चल, अरे निखिल हीरो भाई बनाते तो क्या बात है, चलो भाई आओ भाई, तो ऐसा सीन है, ठीक है। चलिए कोई ना भाई, कुछ नहीं भाई, तो चलिए इसी के हिसाब से अब अपना हम ब्लॉग इन करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइए जरूर, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।